चैनल एंड वेलकम बैक फ्रॉम कश्मीर. दिस टाइम आई एम इन कश्मीर. हम लोग कल शाम को श्रीनगर पहुंचे थे. वी स्टेड इन रोज पेटल. द होटल वाज क्वाइट डिसेंट. स्टाफ भी उनका काफ़ी हेल्पफुल था. फूड ऑप्शंस वर आल्सो नॉट वेरी मच बट इनफ थे. और फूड क्वालिटी भी अच्छी थी. टेस्टी था फूड तो हमें वो भी काफ़ी अच्छा लगा. एंड अभी हम निकले हैं गुलमर्ग के लिए. श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता कुछ अराउंड 1.5 to 2 hours तक लगता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक. और रास्ता बहुत ही सुंदर है. एज गुलमर्ग का मतलब होता है गुलों से भरा हुआ रास्ता. एक्चुअली में जो रास्ता है वो उसके नाम को प्रॉपरली जस्टिफाई करता है. दोनों तरफ आपको फ्लावर बेड्स मिलेंगे जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लगते हैं. गंडोला पार्किंग से गंडोला तक जाने का रास्ता अराउंड 1 kilometer है. और यूजुअली वहीं पार्किंग पर अपनी गाड़ी छोड़कर आपको बाय वॉक या बाय पोनी राइड आप जा सकते हैं. हमारा स्टे गुलमर्ग में ही था तो हम अपनी गाड़ी लेकर ही गंडोला तक चले गए थे. गंडोला की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेक श्योर आप दोनों फेजेस की बुकिंग जो है वो एडवांस में ही कर लें. अदरवाइज बाद में काफी रश होता है तो टिकट्स अवेलेबल नहीं होती है. वी आर फाइनली बोर्डेड आवर गंडोला एंड वी आर इन वीआईपी केबिन. अभी हम फर्स्ट फेज के लिए स्टार्ट किया है तो फेज वन खत्म करके एज इन फेज वन पहुंच के देन विल गो फॉर फेज टू डायरेक्टली. और फेज टू पहुंच के रिटर्न में वी माइट स्पेंड सम टाइम ऑन फेज वन. फेज टू के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी. हम लोग फेज वन पहुंच के डायरेक्टली फेज टू के क्यू में लग गए थे. इट टुक अस अराउंड 45 मिनट्स टू एक्चुअली बोर्ड द गंडोला फॉर फेज टू. अपॉन रीचिंग फेज टू वी सॉ स्नो एंड दैट टू इन द मंथ ऑफ जून विच इज एक्चुअली अ वेरी रेयर साइट क्योंकि जून में स्नोफॉल नहीं होता है. और हम लोग शायद बहुत लकी थे कि हमारे आने से 2 या 3 दिन पहले स्नोफॉल हुआ था. और फेज टू पर भी गाइड्स आएंगे और आपको बोलेंगे कि अगर आपको LOC देखना है तो आप हमारे साथ चलिए या स्कीइंग करना है या कोई भी स्पोर्ट करने के लिए जाना है. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जा सकते हो. हमें नहीं जाना था क्योंकि जिस तरफ भी गाइड वगैरह लोग सब जा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडी एरिया था और हमें उतने क्राउड में नहीं जाना था. अभी वेदर क्लियर था बट स्नो काफ़ी अच्छा था. काफ़ी जगह पर था, स्कैटर्ड था तो हमें बहुत अच्छा मौका मिला. स्नो में हमने जी भर के खेला. वेदर वैसे तो क्लियर था बट हाँ बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा फॉगी भी हो जाता था. गुलमर्ग से ही हमने बूट्स ले लिए थे. बूट्स हमें कुछ पड़े 150 rupees पर पेयर. बूट्स के साथ में स्नो में जाना थोड़ा ईजी रहता है. आपके अपने शूज़ अदरवाइज गंदे हो जाएंगे. दे आर नॉट गुड फॉर वॉकिंग. Not comfortable at all, but हाँ स्नो के लिए you can have those. हाथ बहुत ज़्यादा ठिठर गए हैं मेरे तो एकदम ठंडे ठंडे बर्फ़ फेंक के. थोड़ा बहुत स्नैक्स लाए थे हम लोग अपने साथ, हमने खा लिया क्योंकि भूख भी लगने लग गई थी. सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे. ब्रेकफास्ट ज़्यादा हैवी नहीं किया था क्योंकि इतना ऊपर आना था तो बट यहाँ पे आके काफ़ी अभी तक तो धूप छांव जैसा चल रहा था बट अभी काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स आ गए हैं और ठंडा हो गया है. हवा ठंडी चल रही है बट मज़ा आ रहा है. जैसे हम जाते हैं कि वैली का व्यू ले लेंगे, वैली के व्यू के साथ में कुछ फ़ोटोज़ ले लेंगे, वैसे ही क्लाउड्स आ जाते हैं और पूरा व्यू छुप जाता है. It was really a treat to our eyes to see so much snow and so much beauty all around us. We stayed at phase 2 for around 2 hours and after that we decided to head back. It was truly an amazing experience that we had at phase 2.
Our stay was at Hotel Rosewood. It was quite a decent property. काफ़ी सुंदर जगह पे थी. उसके साथ में एक बहुत छोटा सा वाटर स्ट्रीम था जहाँ पे स्पेंड सम गुड टाइम क्लिकिंग फोटोग्राफ्स एंड ऑफ कोर्स एंजॉयिंग द नेचुरल ब्यूटी. दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो. कल हम वापस जाएंगे श्रीनगर और वहाँ पर जाकर कुछ लोकल साइट सीन करेंगे. आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. सो टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.